हेलो एवरीवन, आज मैं टैली के कुछ आपको बेसिक चैप्टर बताऊंगा स्टार्ट के। जो भी बिगनर जो भी टैली सीखना चाहते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो या हमारे इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल चैप्टर है ये टैली ERP 9। जब हम स्टार्ट में सीखते हैं तो मैंने डबल आइकन जो है इसके आइकन पर मैंने डबल क्लिक किया है और इसको ओपन कर लिया है। जब हम सीखते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए शुरुआत से ही, तो वो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैंने टैली का भी आइकन डबल क्लिक करके ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन है सारे, ये पूरी कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन है। कौन कौन से हैं? सेलेक्ट कंपनी है, ठीक है, लॉग इन एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप और रिस्टोर और क्विट, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो हमें समझना क्या है, जब भी हम टैली ओपन करते हैं तो टैली को किस लिए ओपन करते हैं या टैली में हम काम किस लिए करते हैं? कंपनी का काम उसमें कंप्लीट करने के लिए, यानी जो भी लेन देन होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो हमें कंपनी इसमें क्या करनी पड़ेगी? क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एरो कीज जो होती हैं आपके कीबोर्ड में, उससे आप नीचे की तरफ आएंगे, उससे आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे और क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। क्रिएट कंपनी पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे नेम है आपका फिल करना है तो कंपनी का नेम फिल करना है, मेलिंग एड्रेस करना है, तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हमने कंपनी का जो नाम है वो हमने फीड कर लिया, कंपनी का नाम हमने डाल दिया VNR, यहाँ पे मेलिंग नेम में कंपनी का शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं या जो भी है एज इट इज वैसे छोड़ दीजिए। एड्रेस पूरा आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जितना आपको बड़ा डालना है, एक कॉलम और मिलता है, जैसे डालते जाएंगे और भी मिलते जाएंगे। तो मैं पहले कलर शॉर्ट में डाल दिया। अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड जो होगा आपके यहाँ का वो डालिए, ठीक है, टेलीफोन नंबर वॉट एवर जो भी होगा आप वो डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस आपकी जो भी होगी वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, कंपनी का। एंटर करेंगे, यहाँ पे करेंसी सिंबल दिखा रहा है और करेंसी सिंबल आप ऐसे छोड़ दीजिए। उसके नीचे हम जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ऑप्शन है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में समझा भी दूंगा आपको अभी। ये मेंटेन ऑप्शन है जो, ठीक है, ये जो ऑप्शन है मेंटेन का, इस ऑप्शन के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको मैं समझा दूँ, जो अकाउंट्स ओनली अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप अकाउंट्स ओनली सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ अकाउंट से संबंधित यानी कि जो भी हम लेन देन कर रहे हैं सिर्फ उनको हम मेंटेन कर पाएंगे। जैसे कि राहू से हमने खरीदा और मोहन को बेचा, कितने का माल बेचा? 500 का बेचा, ये हम इतना ही इसमें फीड करेंगे। लेकिन जब अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की हम बात करें तो हम इसमें कहेंगे राहू ने मोहन को बेचा है या जो भी है तो कितने का माल बेचा, किस कंपनी का बेचा, कितनी मात्रा में बेचा, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, ऐसे बहुत सारी डिटेल भी हम इसके साथ फीड कर सकते हैं। मतलब किस कंपनी का प्रोडक्ट था, कितनी मात्रा में था, कितने पैकेट थे, सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए अकाउंट विद इन्वेंट्री को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर आप सीधे आप ये करना चाहते हैं सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड जानकारी जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो अकाउंट्स ओनली के ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें आपको क्लियर कराई, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हमें क्या क्लियर करना है, अब आगे हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे अकाउंट्स ओनली को सेलेक्ट करेंगे, आप बिगनर हैं तो अकाउंट्स ओनली से शुरू करेंगे, अकाउंट्स ओनली को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर समझा रहा है, फाइनेंशियल ईयर आपको सिंपली बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर को एंड हो जाता है, यानी कि अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 12 साल ऐसे 12 महीने ऐसे गिने जाते हैं, अप्रैल से जोड़ा जाता है किसी भी साल के और अगले वर्ष की 31 मार्च तक उसे 1 साल काउंट किया जाता है, यानी कि 12 महीने काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा, 1 अप्रैल हम कंपनी के हिसाब से 2008 ले रहे हैं, 1/4/2008 1 अप्रैल ही रहेगा। नीचे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यहां से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपना, मान लीजिए आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं
1/5/2008 से शुरू कर रहे हैं, तो वो होगा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम मोस्टली उन्हीं बच्चों को जब कोर्स एंड होने वाला था तब पढ़ाते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। अब यहाँ पे आके आप चाहें तो एंटर एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ये ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन एक्सेप्ट का आएगा, फिर एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप टैली में कोई भी डिटेल सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ ए को आप प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर VNR इंस्टीट्यूट पलिया लिख के आ रहा है, यानी कि ये कंपनी का नाम आपका लिख के आ रहा है जो आपने बनाया है, है ना। और यहाँ पर आप देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन की जगह पे क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में क्या है, मास्टर्स है, अकाउंट्स इन्फो यानी कि अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, ट्रांजेक्शन देने हैं, ठीक है। ये इम्पोर्ट रिपोर्ट्स वगैरह के ऑप्शन है, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे हमने कंपनी क्रिएट यहाँ पे कर ली है और ये बॉक्स यहाँ पे लिख के आने लग गया गेटवे ऑफ टैली का, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब ये तो एक स्टेप हो गया, आपने कंपनी क्रिएट कर ली टैली में, है ना। अब इस कंपनी को अगर हमें बंद करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्टकट की है Alt F1। देखिए इस जगह पर यहाँ पर अब कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया, यानी कि कंपनी बंद हो गई है। और यहाँ पर फिर से गेटवे ऑफ टैली की जगह पे कंपनी इन्फो लिख के आने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपनी कैसे बंद करी, Alt F1 से हमने बंद कर ली है। अब उस कंपनी को हमें दोबारा ओपन करना है, रीओपन करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेलेक्ट कंपनी, इस पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। इस पर हम एंटर करने जा रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी पे हमने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी हमारी यहाँ पे बनी थी, हमने बनाई थी, वो दिख रही है। अगर हम इसको परमानेंटली डिलीट कर देते तो यहाँ पे नहीं दिखती, हालांकि बनी हुई है तो दिख रही है। और भी अगर आपने बहुत सारी 10-12-20 कंपनियाँ बनाई हैं तो यहाँ पे नाम डाल के सर्च कर लेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी कंपनी आपकी। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक ही कंपनी है तो हमने इस पर एंटर कर लिया, तो ये कंपनी यहाँ पे देखिए दोबारा रीओपन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली बॉक्स लिख के आने लग गया है। तो कंपनी हमने क्या की, क्रिएट करी और बंद करके रीओपन भी कर दी उसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस कंपनी में VNR इंस्टीट्यूट खाली लिखना है, पलिया नहीं लिखना है हमें, मतलब जो हमने डिटेल फिल करी है, कंपनी बनाई है टैली में, वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक आ गई है, तो अब हम उसे चेंज करना सीखेंगे। उसे हम चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt F3, और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये अल्टर ऑप्शन है, अल्टर ऑप्शन पर जाना है और फिर कंपनी के नाम पर फिर एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए हम वहीं पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। अब यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे क्या लिखा है, VNR इंस्टीट्यूट पलिया लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर एंड की को दबाएंगे, कीबोर्ड पे एंड की होती है उसको दबाएंगे, बिल्कुल लास्ट में हम पहुँच गए। लास्ट से हम बैक स्पेस से हटा देंगे और यहाँ पे पलिया हमने हटा दिया। और डिटेल्स को हमें मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करना है, कंपनी का दूसरा मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, मान लीजिए दूसरा नंबर हमने कोई डाल दिया कंपनी का, ठीक है। सपोज दैट अब कंपनी की ईमेल आईडी में भी गड़बड़ थी, तो VNR की हमने ईमेल आईडी चेंज करी, VNR1@gmail.com कर दिया हमने, मान लीजिए ये कमियां थी जो हमने पूरी करनी थी। और आके यहाँ पे कैसे सेव करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कंट्रोल ए से आप सेव करेंगे और इसके बाद आप करेंगे स्कैप की। तो यहाँ पर आप देखिए चेंज क्या हुआ है कंपनी में, यहाँ पे VNR इंस्टीट्यूट चेंज हो गया है, पलिया हट गया है, कंपनी का नाम एडिट हो गया है, है ना। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है यहाँ पर देखिए करंट पीरियड, यानी कि दिखा रहा है 1 अप्रैल 2008 से 31/3/2009 के समय तक के लिए आपने इसको पीरियड इसका सेट किया है। करंट डेट इसकी हमने क्या बताया था, 1/5 से बिजनेस शुरू हो रहा है, तो करंट डेट इसकी ये दिखा रहा है ना। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि अभी तक इसमें कोई एंट्री ही नहीं हुई है, नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चेंज क्या करना है, अब ये चेंज करना है कि 1 अप्रैल 2008 नहीं करना है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, 1 अप्रैल 2008 ना करके आपको करना है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 कर देना है, मान लीजिए सेशन चेंज करना है पूरा, तब इसके लिए भी आपको वैसे ही जाना है, बट कुछ स्टेप्स को आपको चेंज करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ हमें उसमें चेंजेस लेके आने हैं, तो हम यहाँ पे फिर से आते हैं और इसको हमने सर्कल्स को हटा दिया और हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं फिर से वही अल्टर ऑप्शन पे, Alt F3 करेंगे। Alt F3 का मतलब होता है कंपनी इन्फो बॉक्स, जो ये बॉक्स बन के आ रहा है Alt F3 का मतलब यही होता है, ये कंपनी इन्फो बॉक्स है ना। अगर ये आ रहा है तो आप Alt F3 प्रेस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली किस पे चले जाएंगे, अल्टर ऑप्शन पे हम चले गए और कंपनी के नाम पे हमने एंटर किया।
अब यहाँ पे सीधे ही हम किस पे आ रहे हैं एंटर करते हुए, यहाँ पे आ जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर पे। हमने कर दिया 1/4/2012 और कंपनी का बिजनेस स्टार्ट जो हुआ है हमारा वो हुआ है 1/5/2012 से, है ना। और इसको हमने कंट्रोल ए से फिर से सेव कर दिया और फिर से स्कैप की करें, दो बार प्रेस की, वापस आ गए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए चेंज अभी भी यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है आपको यूज़ करना है गेटवे ऑफ टेलीबॉक्स पे आके Alt F2 जैसे करेंगे आप, चेंज पीरियड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आप वही चीज़ सेव कर देंगे। और यहाँ पर 1/4/2012 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 31/3/2013 तक चलेगा ये सेशन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साल चेंज कर दिया, तो यहाँ पे देखिए करंट पीरियड जो है वो भी बदल गया है, ये बदल गया है, और सॉरी करंट डेट भी बदल गई है और ये करंट पीरियड भी बदल गया है यहाँ पे। तो अगर आपको इस तरीके से अगर सेशन में कुछ डेट में कुछ अल्टरेशन करनी है तो इस तरीके से आपको फ्रंट पे आके भी अल्टर करना पड़ेगा कंपनी की डिटेल में अल्टर करने के बाद। अब मान लीजिए आपको इस कंपनी को डिलीट करना है, मतलब अल्टर नहीं करना है, डिलीट करना है अगर, तो भी वही ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से Alt F3 प्रेस करना है कंपनी इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे जाके, उसके बाद अल्टर पे जाना है, अल्टर पे जाने के बाद कंपनी पे एंटर करना है और यहाँ पे Alt D प्रेस करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है यस और नो, अगर वाई की प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, यस कर दिया। फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं इसको करने के लिए, फिर से यस वाई की प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, कंपनी डिलीट हो गई। देखिए यहाँ पे भी अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी डिलीट है, दिख नहीं रही यहाँ पे। और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे हम जाके देखेंगे कि कंपनी डिलीट हुई है या बंद हुई है, तो सेलेक्ट कंपनी पे हम चलते हैं, सेलेक्ट कंपनी पे हम जाके देखते हैं कि कंपनी हमारी डिलीट हुई है या बंद हुई है। सेलेक्ट कंपनी पे हम गए और हमने यहाँ पे देखा नो कंपनीज ऑन डिस्क, यानी कि कोई कंपनी ही नहीं है अभी तो फिलहाल, और हमारी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए कुछ चीज़ें बताई हैं, टैली को कैसे ओपन करेंगे आप, ठीक है, और टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे आप, टैली में कैसे कंपनी को बंद करेंगे आप, टैली में कैसे कंपनी में अल्टर करेंगे आप डिटेल्स में, और टैली को कैसे डिलीट करेंगे, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं। ये पहला स्टेप होता है, कोई भी बिगनर है तो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे कोर्स स्टार्ट करेंगे। और हमारे कोर्स जो है अलग अलग तरीके से हमने डिज़ाइन किए हैं, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए टैली को आप VNR इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप टैली कोर्स सीखें, अच्छे अकाउंटेंट बने। थैंक यू सो मच।